जय माता दी। कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जयंती कब मनाई जाएगी? 2024 में। कहते हैं बाल गंगाधर तिलक जयंती मनाना भारतीय अशांति के जनक का सम्मान करना है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानेंगे। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। झलक दानी चैनल पर आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं और जयंती से संबंधित, पूजा से संबंधित, तो प्लीज झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी एक चिंपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने शिक्षा के प्रति असाधारण योग्यता दिखाई। उन्होंने पुणे में अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने गति और कानूनों में डिग्री हासिल करने के बाद कुछ ही समय बाद तिलक ने अपना ध्यान सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर और की तरफ मोड़ दिया। भारत सरकारी ब्रिटिश शासन में मुक्त करने की उत्कृष्ट इच्छाएं प्रेरित जाग उठी। राष्ट्रवाद एक पूरा जो उनके पास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक का योगदान बहुत गहरा रहा और कहते हैं इस विचार में दृढ़ विश्वास रखते हैं। कहते हैं हर भारतीय का जन्म स्थित अधिकार है। उनका नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वे इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने भारतीय के लिए मंत्र बन गया जो भारत की आकांक्षाएं रखते हैं। साहित्य मसाला वाहक तिलक सिर्फ एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे बल्कि एक विपुल लेखक और एक प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए कभी कलम और हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक अपने अखबारों के जरिए उन्होंने निडरता से ब्रिटिश सरकार की आलोचनाओं और उनकी शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। उनके संपादकीय लोगों को जागृत करने और उन्हें राष्ट्र हितों के लिए संगठित करने में सहायक रहे। कहते हैं समाज सुधारक भी थे। अपनी राजनीतिक सक्रिय से भरे ही तिलक एक समाज सुधारक थे जो कि उत्थान की बकलांग करते रहते थे। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, खासकर महिलाओं के लिए बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की। कहते हैं हमारे यहाँ पर पहले बाल विवाह होने की बहुत परंपरा थी और वैसे ही होता था। उन्होंने ये सबसे पहली कोशिश थी उनकी। उनका मानना था कि भारत की प्रगति और स्वतंत्रता के लिए एक मजबूत और शिक्षित समाज महत्वपूर्ण रखता है। उग्र राष्ट्रवादी प्राप्ति के लिए तिलक का दृष्टिकोण उनसे समकालीनों की तुलना में अधिक क्रांतिकारी था। वह प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों को सीधे चुनौती नहीं डरते थे। इसी कारण उन्हें अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति के जनक की उपाधि भी दी गई जो स्वतंत्रता संग्राम की उनकी उपस्थिति में प्रमाण किया है। गणपति और शिवाजी को उत्सव आयोजन में उनके प्रयासों का उद्देश्य भारतीयों को एकजुट करना पड़ा। उनकी विरासत और संस्कृति में गर्व की भावना पैदा करते हैं। विरासत और प्रभाव जो है तिलक की विरासत उनके जीवन काल तक ही सीमित रही। उनके विचारों और कार्यों में स्वतंत्रता सेनानियों की भावी पीढ़ियों के लिए आधारशिला रखी गई है। कहते हैं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए उनकी अडिग भावना और समर्पण से प्रेरणा ली। 1920 में उनके निधन के बाद ही उनका प्रभाव गूंजता रहता है। इसीलिए भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त 1947 में साकार किया गया आज तक तिलक जयंती मनाई जा रही है। 23 जुलाई 2024 तिलक जयंती मनाते हैं। हम भारतीय इतिहास के उस महापुरुष को याद रखते हैं जिनका योगदान समय पर से परे है, क्योंकि हम सब लोग अपना जन्मदिन तो मनाते हैं मगर उन महापुरुषों को याद रखना, उनके जन्म के जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है उन पर उनकी जयंती मनाना ये बेहद ही हमारे लिए सुख की और गर्व की बात होती है। उनकी स्मृति को सम्मानित करने के लिए देश में समारोह, सेमिनार और शिक्षित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनके लेखन को फिर से पढ़ने और आदर्शों पर विचार करने और उनके द्वारा अपनाए गए मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिमा कहते हैं प्रतिज्ञा करते हैं। इस दिन वर्तमान युग में यहाँ भारत एक सर्वप्रमुख राष्ट्र के रूप में खड़ा है। तिलक द्वारा अपनाए गए सिद्ध प्रेरणादायी न्याय के उनकी अटूट प्रतिबद्ध शिक्षा के लिए वकालत और एकता की शक्ति में उनका विश्वास आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि एक शहीद पहले था। लोग मान्यता बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि देते हुए हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे समाज के निर्माण के लिए काम करें जो स्वतंत्रता, शिक्षा और समाज न्याय को महत्व देता है। स्वतंत्रता और सशक्त भारत का उनका सपना सभी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। कहते हैं लोग मां के
तिलक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को कहते हैं कि जीवन में जितने भी सारी आपने उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो अपने गौरव को याद रखते हैं, अपनी धरती को याद रखते हैं, और अपने जीवन में कुछ ऐसे सफल कर जाना जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। और कहते हैं इस जुलाई 2023-24 में 23 जुलाई को जो तिलक जयंती मनाई जा रही है, भारत इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और गौरव का पर्व है कि इस दिन उन्होंने सबसे पहले शिक्षा का सम्मान करते हुए आगे बढ़े और प्रेरणा दी, शिक्षित अपना देश बनाया, शिक्षित, और वो चाहते थे कि हमारा देश जब शिक्षित होगा तभी वो आगे, शिक्षा से उनकी वकालत चलती रही। लोग गंगाधर तिलक तो इसीलिए श्रद्धांजलि देते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं, सीख मिलती है उनसे। जितने भी हमारे देश के ऐसे शहीद थे जिन्होंने अपने देश के लिए कुछ करा, ऐसे ही कुछ नई जयंतियों के बारे में, तिलक गंगाधर तिलक के जन्म परिचय के बारे में या और भी आप कुछ जानना चाहते हो क्यों मनाई जाती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिए। नमस्ते, जय माता दी।